आज इस वीडियो में मैं आपसे दो प्राचीन कथाओं के बारे में वर्णन करने वाली हूँ। यदि आप इन कथाओं का श्रवण करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि घर में अलक्ष्मी, दरिद्रता और गरीबी आने से पहले किस तरह का संकेत देती है, आपसे कौन सी ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से घर में गरीबी अपना पैर पसारती है, दरिद्रता वहाँ पर सदा सदा के लिए जम जाती है। आप इन कथाओं का यदि आज श्रवण कर लेते हैं तो आज के बाद आपसे इस तरह की गलती मेरा दावा है कि कभी भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पौराणिक कथा के बारे में वर्णन करने वाले हैं। शास्त्रों या फिर तस्वीरों में आप सभी ने अक्सर देखा होगा, माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती रहती है। कभी सोचा है क्यों माता रानी हमेशा श्रीहरि के चरण को दबाती हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा बताने वाली हूँ। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। बोलो श्रीहरि की जय, मैया लक्ष्मी की जय। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी जी से पूछा, वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं? लक्ष्मी ने जवाब दिया, चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती हैं तो देव और दानव का मिलन होता है जिससे धन का लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्रीहरि के चरण दबाती रहती हूँ। पुराणों के अनुसार भी लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं वो धन और संपत्ति है, श्रीहरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा और भी है। एक पौराणिक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आँखें भड़कीली, बाल फैले हुए और दांत बड़े बड़े थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी कि श्री हरि के साथ होती तब लक्ष्मी हमेशा वहाँ आ पहुँचती थी। इस बर्ताव को लक्ष्मी जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा, तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? तब अलक्ष्मी ने कहा, उनकी कोई पूजा नहीं करता, कोई उनकी पूछ नहीं करता, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएंगी। ये सुनकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं, गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी को दूर करती रहती है जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास ना आ पाए। जैसे कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं, ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। बस इस बात का संकेत ही होता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर सच्चे भाव से करनी चाहिए और घर में कभी भी गंदगी नहीं जमने देनी चाहिए जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।